सचिन जी का एक सवाल है कि सर आखिरकार यूपी टेट में अच्छा स्कोर कैसे लेकर के और कितना स्कोर करना ठीक रहेगा। देखिए सबसे पहले मैं बता दूं कितना स्कोर करना ठीक रहेगा, जिस तरीके से बातें सामने निकल करके आ रही कि मे बी पॉसिबल 1/4 नंबर जुड़ सकता है, अभी कंफर्मेशन नहीं है, जुड़ सकता है ये है, ठीक है। तो मैंने आपसे कहा कि आपको अपना 100% देना चाहिए, मतलब आपको अपनी पूरी दम लगा देनी चाहिए। अब आप कहोगे सर यूपी टेट में दम लगा देते सुपर टेट की तैयारी ना करें, मैंने आपसे कहा है आपको मेन फोकस आपका सुपर टेट मतलब एस टेट की प्रिपरेशन ही होना चाहिए, बट यूपी टेट आपको एज ए सेमीफाइनल लेना है। सेमीफाइनल किस तरीके से, देखिए जो सब्जेक्ट आपके यूपी टेट में आते हैं वो सारे के सारे सब्जेक्ट आपके सुपर टेट में भी आते हैं, तो अगर आप सुपर टेट की तैयारी अच्छी तरीके से कर रहे हो, सिलेक्शन लेने वाली तैयारी कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं यूपी टेट में वो 5 सब्जेक्ट आपको बहुत अच्छा स्कोर करने में मदद करेंगे जो आप सुपर टेट में प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है। तो आपका इस सवाल का जवाब तो यही है कि आपको अपना पूरा ताकत के साथ में परीक्षा देनी होगी, पूरी आप फोर्स लगा डालो, पूरी दम के साथ में आपको पेपर देना है, ठीक है। इसके अलावा ये बात जो पूछ रहे सर आखिरकार प्रिपरेशन कहां से करें, देखिए यूपी टेट की प्रिपरेशन करने के लिए कोई अलग से चीजें नहीं आती हैं, जो आपके सुपर टेट में प्रिपरेशन कर रहे हो ना वही आपका एज इट इज यूपी टेट में काम आता है, बट एक चीज आपको और करना जो कि आपके सुपर टेट प्लस यूपी टेट दोनों में ही काम आएंगी, वो क्या है, आपको यूपी टेट के प्रीवियस ईयर पेपर लगा लेने हैं, क्योंकि अब तक जितने भी एग्जाम हो चुके हैं उसमें यही देखा गया है यूपी टेट के कम से कम 80 से 85% जो क्वेश्चन होते हैं आउट ऑफ 150 लगभग 120 से लेकर के 125 जो प्रश्न होते हैं वो प्रीवियस ईयर परीक्षा से उठाए हुए होते हैं, प्रीवियस ईयर्स की परीक्षा से ही उठाए हुए प्रश्न होते हैं, ठीक है। तो पहला काम आपको क्या करना है कि यूपी टेट के मार्केट में जितने भी प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन पेपर हैं वो सारे के सारे सॉल्व कर लेने, ठीक है। इसके बाद में दिक्कत आती है एनवायरमेंट वाले सेक्शन में, तो वहां पे समझ नहीं आता कि आखिरकार किस तरीके से तैयार करें। देखिए पर्यावरण में जो आपके यूपी टेट में पूछे गए पर्यावरण के प्रश्न वो तो तैयार कर ही लो, इसके अलावा जो एसएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जीएस के जो जो टॉपिक हमारे पर्यावरण से मैच करते हैं वो उठा करके आपको तैयार करने हैं, ठीक है। अगर आप इतना कर लेते हो तो यकीनन आप यूपी टेट में बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे, ठीक है। और रही बात यूपी टेट के, तो मैंने आपसे पहले भी कहा दुनिया का सबसे सरल एग्जाम है यूपी टेट, अगर आप यूपी टेट के लिए कोचिंग कर रहे हो तो आपको मैं क्या ही राय दूं, यूपी टेट के लिए किसी कोचिंग की आवश्यकता नहीं होती, यूपी टेट में अच्छा नंबर लाने के लिए आपका अपने दम की आवश्यकता होती है कि आखिर आप कितना अच्छी तरीके से तैयारी कर रहे हो, ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन कितने अच्छी तरीके से कमांड कर रहे हो इस पर बेस्ड होती है। और फिर भी अगर आप चाहते हो तैयारी करना तो यूपी टेट परीक्षा को लेकर के एक फ्री में क्रैश कोर्स हम लोग लेकर के आने वाले, ठीक है, ठीक है, फ्री में क्रैश कोर्स जिसका एक भी आपसे रुपया नहीं लिया जाएगा, ठीक। उसके लिए आप लोगों को क्या करना होगा, ज्वाइन करना है तो सिंपली आपको क्या करना होगा, प्ले स्टोर पर जाकर के सरकारी मास्टर ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड करना होगा, फ्री कोर्स वाले सेक्शन में आपको ये कोर्स जो है ना विजिबल होना स्टार्ट हो जाएगा बहुत जल्द। तो अगर आप फ्री में तैयारी करना चाहते हो तो ये कर लो, और अगर आपके पास ज्यादा पैसे हैं तो भाई पैसे कहीं भी डाल दो जाकर के, बट रियलिटी ये है कि यूपी टेट की परीक्षा के लिए आपको केवल और केवल अपनी मेहनत पर डिपेंड होना चाहिए तभी स्कोर अच्छा कर पाओगे। यूपी टेट में आता क्या, प्रीवियस क्वेश्चन आते हैं, तो जब आप प्रीवियस क्वेश्चन तैयार करोगे तब से अच्छे नंबर आएंगे, ठीक है। तो यूपी टेट का जो क्रैश कोर्स है उसका बैच जल्दी स्टार्ट होने वाला है, निःशुल्क बैच है, तो अगर आप चाहें तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है।